हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरनेट में रेलवे टिकट्स कैसे बुक करते हैं वो करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IRCTC का वेबसाइट खोलने के बाद अब हमें लॉगिन भी करना है। लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अभी तो हम होम पेज पे आ गए हैं। अभी हमें ये फिल करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। फ्रॉम मतलब कहाँ से जाना है, टू मतलब कहाँ तक जाना है, और उसके नीचे हमें अपना डेट भी फिक्स करना है। अब हमें फाइन ट्रेन्स करना है। हमने बेंगलोर टू बरमपुर 26 अक्टूबर जाने का सारा डिटेल्स फिल कर चुके हैं। नीचे यहाँ पे ट्रेन का सारा लिस्ट दिखा रहा है। इन लिस्ट में से जो ट्रेन में जाना है उस ट्रेन में हमें बुक करना है अपना टिकट। आगे मैम आपको स्टेप्स बताऊंगा। हम लोगों ने पूरी गरीब रथ में जाने का डिसाइड किया है, इसलिए हम AC 3 टायर में बुक कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का सब डिटेल्स दिखा रहा है। यशवंतपुर बरमपुर सब डिटेल्स दिखा रहा है। ट्रेन का नाम है पूरी गरीब रथ। ट्रेन का नंबर है 22884। ये यशवंतपुर JN से बरमपुर ट्रेवल कर रहा है। स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, ये ट्रैवल टाइम है मतलब कितना टाइम लगता है, ये क्लास है किस क्लास में आप ट्रैवल करना चाहते हो, ये डेट है, ये टिकट फेयर है, और ये सीट अवेलेबल है या नहीं। डेट पे टिकट अवेलेबल है। अगर आपको बुक करना है तो फिर बुक नाउ पे क्लिक कीजिए। अब आपको ओके करना है। इस पेज पे आपको जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनका डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। डिटेल्स मतलब जैसे नेम, एज, जेंडर, और आप कौन सा बर्थ प्रिफर करते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, और ये सब। पैसेंजर्स का डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। और अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आपको यस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ता है और यहाँ पे कैप्चा कोड देना। बाद आपको कंटिन्यू बुक करना पड़ेगा। का सारा डिटेल्स दिखाता है जो आपने स्टार्टिंग से सारा फिल किया था। उसके बाद आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आपको मनी पे कैसे करना है उस सब का ऑप्शंस दिखाता है। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या वॉलेट से कैसे पे करना है वो सब। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स दे दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज दिखा रहा है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुल बुक्ड ए टिकट। टिकट बुक करने के बाद टिकट का डिटेल्स आपके मोबाइल में SMS में भी आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मेल में भी आ जाएगा। यहाँ पे आप टिकट प्रिंट भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, पर मैं आपको ये रेफर करता हूँ।
मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर हम टिकट प्रिंट करवाते हैं तो फिर हमारा पेपर भी वेस्ट हो जाता है, और अगर हम अपने मोबाइल से वो सारी डिटेल्स दिखा दें तो फिर हमारा पेपर भी बच जाएगा। मैंने तो आपको टिकट कैसे बुक करना है वो तो करना सिखा दिया, अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक देना है।